जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। प्यारे दोस्त, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फाइनली ललित सहमेता यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट वन में एडमिशन लेने वाले छात्रों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और आप इसे अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करिए lnmu.ac.in। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं lnmu.ac.in मैंने सर्च टाइप कर दिया हूं, उसके बाद सर्च कर देता हूं। तो दोस्तों देखिए, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको आना है नीचे और नीचे आने के बाद देखिए नया जो अपडेट है यहां पर देख सकते हैं सेकेंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट UG 2019, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर दिए और देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से फिर से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ललित सहमेता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे बेगूसराय, उसके बाद दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट लेना है तो उस पर आपको क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अभी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पर दरभंगा लिखा रहेगा, तो दरभंगा के बीच में हमें दरभंगा पर क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए, आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड होने लगा है, आप देख सकते हैं ये 2.74 MB का है। तो आप लोग देख सकते हैं ये डाउनलोड होने लगा है, थोड़ा समय लगेगा तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फिर भी बता देता हूँ दोस्तों, आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट का चाहिए उसी पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे वो डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है पूरा डिटेल, यूनिवर्सिटी का जितने भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कॉलेज होंगे इसमें आपको दिखाई दे दिया रहेगा। और देख सकते हैं ये टोटल जो है 524 पेज का है। तो प्यारे दोस्त देखिए, आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले देखिए आपको फॉर्म नंबर से चेक करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, उसके बाद अपने नाम से चेक करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, उसके बाद फादर्स नेम के साथ से करिएगा तो भी बहुत समय लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको उस कॉलेज को चूज करना है जिस कॉलेज में आपने सेलेक्ट किया था कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो तो अच्छा होगा। तो फर्स्ट प्रीफ्रेंस, सेकंड प्रीफ्रेंस, थर्ड प्रीफ्रेंस वाले कॉलेज को चुनिएगा। उसके बाद अपना ऑनर्स देख लीजिएगा आगे में, जो कौन से ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद स्ट्रीम देख लीजिएगा, तो दोनों चीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल करके या एप्लीकेशन नंबर डाल करके या नाम डाल करके आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर साइट काम नहीं कर रहा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस सब का लिंक दे दिया हूँ, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।